चीन और जापान दो ऐसे देश हैं जो कि आविष्कार के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। इंसान की समस्याओं के शुरू होते ही इन दो देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स चीज़ों को बनाने के काम में जुट जाते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस काम में सफल भी होते हैं। वर्तमान समय में एक समस्या ऐसी है जो कि संपूर्ण विश्व के लिए आम है। प्रदूषण और जनसंख्या के चलते पूरी दुनिया अभी एक ही प्रमुख समस्या का सामना कर रहा है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए और खुद को हरा भरा रखने के लिए जापान ने एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि जापान दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत बनाने जा रहा है। टोक्यो में बनने वाली इस 70 मंजिला इमारत में घर, ऑफिस, दुकानें व होटल भी होंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जापान अपनी राजधानी को पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहता है। ये प्रोजेक्ट साल 2041 में बनकर तैयार होगा।